मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच पहले मुकाबले के साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की जबरदस्त शुरुआत हुई है। इस मैच को आरसीबी ने बेहद ही रोमांचक ढंग से अपने नाम कर लिया। अंत में एबी डिविलियर्स की आतिशी पारी की बदौलत आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को धो डाला। हालांकि रोहित की टीम ने आरसीबी को कड़ी टक्कर दी। जहां लग रहा था कि एबी डिविलियर्स आसानी से आरसीबी के नाम ये मैच कर देंगे, वहीं कृणाल पांड्या ने एबी डिविलियर्स को रन आउट कर मैच को फिर से मुंबई इंडियंस के पाले में डाल दिया। लेकिन उस वक्त शायद देर हो चुकी थी। दो गेंदों पर दो रनों की ही दरकार थी और आने वाले बल्लेबाजों ने आरसीबी को यह मैच जितवा दिया। इस मैच में कभी आरसीबी का पलड़ा भारी रहा तो कभी ऐसा लगा कि मुंबई इसे आसानी से जीत लेगा। मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने आई मुंबई इंडियंस ने आरसीबी के सामने 9 विकेट खोकर 159 रन बनाए। मैच में क्रिसलिन की धमाकेदार 49 रनों की पारी के अलावा मुंबई का कोई भी बल्लेबाज कमाल नहीं दिखा पाया। आरसीबी में अपनी वापसी कर रहे हर्षल पटेल ने अपनी मीडियम पेस से कहर मचाया और आखिरी ओवर में 3 विकेट समेत 4 ओवरों में 5 विकेट अपने नाम कर मुंबई को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। मैच में आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल पूरी तरह से छा गए। हरियाणा के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले हर्षल पटेल ने 27 रन देकर 5 विकेट लिए। इन आंकड़ों के जरिए उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। ये उनका T20 क्रिकेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। साथ ही उन्होंने T20 क्रिकेट में पहली बार 5 विकेट लिए। इसके अलावा हर्षल पटेल IPL में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले भी पहले गेंदबाज बन गए। इसके अलावा 8 साल बाद आरसीबी के किसी गेंदबाज ने IPL में 5 विकेट लिए। हर्षल IPL के एक मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले अनकैप्ड प्लेयर भी हैं। अनकैप्ड यानी ऐसे खिलाड़ी जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले। बहरहाल आपको दोनों टीमों के बीच का ये मैच कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।